हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज एक लेकर आया हूँ पॉलीमर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, और जो कि है टेरेलीन और डेक्रॉन। टेरेलीन और डेक्रॉन भी फाइबर की कैटेगरी में आता है, और फाइबर के बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि फाइबर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, क्रिस्टलाइन नेचर होगा और इसमें थोड़ी सी चमक होती है। अब इसी बीच हम देखेंगे एक और फाइबर जो कि है टेरेलीन और डेक्रॉन। टेरेलीन और डेक्रॉन होता है पॉलीएस्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीमर होता है पॉलीएस्टर। अब देखिए पॉलीएस्टर क्या होता है, क्या इसमें एस्टर ग्रुप होता है, वो हम जब इसको फॉर्म करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। एक बात और है कि जो टेरेलीन और डेक्रॉन है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईऑल का मिक्सचर होता है, ठीक है। मीन्स इसमें एक मोनोमर होगा जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, दूसरा मोनोमर होगा जिसमें दो एल्कोहल होंगे, ठीक है। अब इस ये कौन कौन से होते हैं और कैसे रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। मोनोमर देखते हैं कौन से हैं, इसमें मोनोमर होते हैं, पहला इसमें होता है इथाइलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है टर्थैलिक एसिड, ठीक है। अब ये दो मोनोमर किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वो मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये इसमें दोनों मोनोमर डिफरेंट हैं, इसीलिए ये भी क्या होता है, एक को पॉलीमर होता है, ठीक है, को पॉलीमर। और जब ये दो मोनोमर आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, इसीलिए ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन दो टाइप का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं। हमने HOCH2OH इसके N मोल लिए और साथ में ही N मोल लिए हैं टर्थैलिक एसिड ऐसा होता है जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप वन और फोर्थ पर होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ओके। अब ये रिएक्शन जो है उसका कुछ टेम्परेचर प्रेशर भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, 422-460 केल्विन टेम्परेचर, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये दोनों कैटलिस्ट हैं, ये इसकी कंडीशन है, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और इसमें क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर H2O रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर बनेगा O, थोड़ा सा इधर को लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है ये O, ये CH2 और ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ये लीजिए, ठीक है। ये बना है आपका टेरेलीन और डेक्रॉन, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉली एस्टर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ये। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। अगर आपने पूरा इसकी स्ट्रक्चर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, ये है इथाइलीन ग्लाइकॉल पहला वाला, ये टर्थैलिक एसिड, और दोनों ने कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद एस्टर ग्रुप बनाया और बना टेरेलीन या फिर डेक्रॉन, ठीक है।
अब उसके बाद है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। टेरलीन इज क्रीज रेजिस्टेंट, ठीक है, मींस इस पर आप क्रीज रेजिस्टेंट का मतलब होता है एक आप इसके मटेरियल पर इतना हार्ड होता है कि उस पर कोई भी निशान या मार्क क्रिएट नहीं कर सकते, ये होता है क्रीज रेजिस्टेंट, ठीक है, एक हो गया। और ये साथ में मिक्स किया जाता है वूल और कॉटन फाइबर्स में जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, एंड इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल फाइबर, ठीक है। उसके बाद ये होता है ग्लास रीइंफोर्स फोर्सिंग मटेरियल, यानी किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स में ये यूज किया जाता है जिससे उसके मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। क्रीज रेजिस्टेंस होगा यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वुड फाइबर्स, ग्लास रीइंफोर्स मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स, ये इसके यूज हैं, ये एनसीईआरटी से में ही लिखे हुए हैं और ये इसी तरीके से एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको याद होने चाहिए। अब इस वीडियो का कुछ रिकैप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देखा टेरलीन क्या होता है। टेरलीन एक पॉलीएस्टर है, एक फाइबर है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। टेरलीन डाईकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल दो मोनोमर से बना होता है। यहाँ पर देख लीजिए जो इथाइलीन ग्लाइकॉल है ये होता है डाइओल, ठीक है, और टर्थैलिक एसिड ये होता है डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं तो वो बनाती हैं एस्टर, इसीलिए इसको पॉलीएस्टर कहा जाता है। आप देख रहे हैं जब इसमें दो अलग अलग मोनोमर यूज हो रहे हैं इसीलिए इसको कहा जाता है कोपॉलीमर, ठीक है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो H2O रिलीज करते हैं 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में, और इसमें फाइनली हमें टेरेलिन मिल जाता है। ये इसके कुछ यूजेस हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर। दोस्तों आपको मटेरियल मेरा कैसा लगता है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।